भारतीय सीमाओं पर तैनात हमारे भारतीय सिपाहियों की कलाइयों तक रक्षा सूत्र राखियां पहुंचाने के लिए ऑपरेशन रक्षा सूत्र आरंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत गांवों और शहरों से राखियां एकत्रित की जा रही है, जिन्हें सेना मुख्यालय दिल्ली में 11,11,111 राखियां देश के सैनिकों तक पहुँचाने का उद्देश्य है। इस महाअभियान को लेकर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल ने नागरिकों से सहभागिता निभाते वे राखियों को गांव की एक चुटकी मिट्टी के साथ लिफाफे में स्वयं का पता लिखकर जिला पंचायत को भेजने की अपील की है। जिला पंचायत के सीईओ ज्योति पटेल ने बताया कि पूर्व सैनिक महासभा छत्तीसगढ़ से तत्वावधान में भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ जिला जांजगीर चांपा ने इस रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय सीमाओं पर तैनात हमारे सिपाहियों की कलाइयों पर राखियां बांधने का उद्देश्य लेकर ऑपरेशन रक्षा सूत्र की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत गांवों और शहरों से राखियां एकत्रित करके भेजी जाएगी, जिससे राज्य सहित जिले को गौरवान्वित किया जा सके। इस अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं, नागरिकों, विद्यार्थियों और स्व सहायता समूह की दीदियों की सहभागिता महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बहनों की भी यहां अहम भूमिका होगी, ताकि अधिक संख्या में राखियां भेजी जा सके। यह प्यार भरा रक्षा सूत्र जवानों की कलाई पर बंधने से सैनिकों में नए उत्साह और जोश का संचार करेगा। इससे हमारे वीर सैनिकों के मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है। रक्षाबंधन पे हमारे जो बॉर्डर पे हमारे जो भाई लोग तैनात हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये प्यार भरा बंधन, ताकि उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस ना हो और हमारे मन में उनके प्रति जो आभार है वो इस प्यार के रूप में उनको मिले। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्यारे भाइयों को हम लोग के तरफ से प्यार भरा राखी, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि उनकी बहन ना हो, कि उनके परिवार से दूर हैं, एक कमी महसूस ना हो, इसीलिए हम लोग इसमें राखी भेज रहे हैं। और धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो आप लोग, तो आपके लिए छोटा सा तोहफा था। देश की रक्षा करने वाले समस्त भाइयों को इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र सादर प्रेरित। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूर्व सैनिक महासभा छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ जांजगीर के तत्वाधान में 11,11,111 नग राखी और साथ में गांव के मिट्टी को लेकर हमारे बॉर्डर में तैनात सैनिकों को राखी के पर्व के अवसर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संस्था, नागरिक संस्था, विद्यार्थी, बहनों और स्व सहायता समूह की दीदियों के सहभागिता बहुत जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक राखियों को भेजा जा सके। यह प्यार भरा रक्षा सूत्र जवानों की कलाई पर बांधने से सैनिकों में नए उत्साह और जोश का संचार पैदा करेगा। इससे हमारे वीर सैनिकों के मन में यह भावना आती है कि उसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ राखी के साथ एक चुटकी गांव के मिट्टी के साथ स्वयं संगठन स्कूल के नाम और पते के साथ लिफाफे में रखकर जिला पंचायत के पीआरओ मिस्टर देवेंद्र कुमार यादव के साथ कक्ष क्रमांक 27 में 10 अगस्त तक के हम लोग जमा करने के हमारे तरफ से निर्देश जारी किया गया है, और 10 अगस्त के पश्चात हम लोग सभी राखी जमा होने के पश्चात ये भूतपूर्व सैनिक कल्याण अध्यक्ष श्री जवाहरलाल यादव और सचिव श्री असीम धर दीवान के सहयोग से इसको भेजा जाएगा।